हाय व्हाट्सएप पीडी एजुकेशनर्स, वेलकम टू माय चैनल पीडी एजुकेशन। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सभी का कि आपने मेरे 1000 सब्सक्राइबर प्लस कर चुके हो, तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो आप सबकी बदौलत पहुँचा हूँ, तो थैंक यू सो मच। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये है कि अब 2 से 3 महीने ही बचे हैं आपके फाइनल एग्जाम्स आने वाले। मैं ये वीडियो जो है 11th 12th वालों के लिए है। मार्च में फाइनल एग्जाम्स आपके आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या क्या स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, किस किस चीज़ की पहले तैयारी करें, किसकी बाद में करें, वो सारा का सारा इस वीडियो में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि जनवरी का 6 जनवरी है आज, तो अब किसी किसी क्लास के एग्ज़ाम जो है फरवरी में भी स्टार्ट हो रहे हैं, प्री बोर्ड फरवरी में भी है 12th का। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आप रिवीजन स्टार्ट कर दो। अगर आप नए चैप्टर नहीं करे हैं तो अभी आप उसको मत करो, अभी पहले पिछले सारे चैप्टर रिवाइज मार दो, यानी कि सारे के सारे सब्जेक्ट्स, सारे के सारे चैप्टर्स आप रिवाइज कर लो, ख़त्म कर दो। प्लस कोई रेफरेंस बुक आपके पास है तो प्लीज़ आप रेफरेंस बुक को भी रेफर करो, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं कोशिश करो, अगर आप पे टाइम है आप कोशिश करो कि रेफरेंस बुक भी सारी ख़त्म करनी है। और 10 ईयर आप जितने भी हैं, 10 ईयर्स आप 10 ईयर के एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर विदाउट क्वेश्चन पेपर ये सॉल्व करें आप सीधा एग्ज़ाम में चले जाओगे, आपने रिटर्न में पहले नहीं किया तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको लिखने का पैटर्न नहीं पता, टाइम मैनेजमेंट नहीं पता। मतलब ज़्यादातर बच्चों के साथ ऐसा होता है कि अगर आप 10 ईयर नहीं, अगर क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करोगे घर पर ही, टाइम देख करके 3 घंटे का पेपर है तो आपको सॉल्व करना है, कोशिश करो कि सारा का सारा पेपर सॉल्व हो जाए 2.5 घंटे के अंदर अंदर, कोशिश करनी है। नहीं तो जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं और फाइनल एग्जाम में देने जाते हैं तो वो यही बोलते हैं, एक्सक्यूज़ उनका ये होता है पेपर बहुत लेंदी था। वो लेंदी नहीं है, जब भी पेपर बनता है तो उसके अकॉर्डिंग ही बनता है कि बच्चों का 3 घंटे का पेपर है तो 2.5 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाए, 2.5-3 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो आपको पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी उस फाइनल एग्ज़ाम के लिए। और अभी आपको जितने भी सब्जेक्ट्स आपको स्टार्टिंग में आप पढ़ रहे हो, पिछले साल से ही पढ़ रहे हो, तो जो आपको सब्जेक्ट्स इजी लगते हैं तो उन सब्जेक्ट को सबसे पहले ख़त्म कर दो। आपको जो सब्जेक्ट्स इजी लग रहे हैं वो उन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले ख़त्म कर दो, और जो चैप्टर्स अगर किसी और सब्जेक्ट के हैं वो भी जल्दी जल्दी ख़त्म कर दो, ताकि जो आपको इजी पार्ट है वो आपने पहले ख़त्म कर दिया। अब आप आओगे, यानी वो ये सारी चीज़ें जो करनी है आपको, पूरी बुक ख़त्म, एनसीईआरटी ख़त्म, रेफरेंस ख़त्म और क्वेश्चन पेपर सॉल्व, ये सारा का सारा आपका जनवरी एंड तक हो जाना चाहिए। 6 जनवरी आपके पास आराम से 25 दिन पड़े हैं, तो आप पूरे के पूरे महीने में ये सारी चीज़ें ख़त्म करना है। फरवरी में आपको क्या करना है, फरवरी में ये सारी चीज़ें आपने रिवाइज कर चुके हो अच्छे से, फरवरी में आके आपको 10 ईयर के दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करनी है। जिस भी क्वेश्चंस में डाउट हैं आपको फरवरी में वो सारी चीज़ें कवर करनी है, और ताकि मार्च जब आएगा आपको, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं एग्ज़ाम आने से पहले, जैसे मान लो मैथ्स का एग्ज़ाम है 4-5 दिन बाद, तो उसी समय मैथ्स की रिवीजन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन पेपर्स जितने 10 ईयर के वो देखेंगे, तो प्लीज़ उस समय मत ये सारी चीज़ें करो, क्योंकि आपका माइंड एग्ज़ाम देने जाना है, आपका माइंड में इतना हौच-पौच हो जाएगा था एग्ज़ाम में, पक्का ही गलती होनी है। ये सारी चीज़ें पहले से कर लो, अभी बहुत टाइम है आपके पास, बथेरा टाइम पड़ा हुआ है, तो टेंशन मत लो इस चीज़ की। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको स्कूल में बता दी गई होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मेरे को नीचे वीडियो में कमेंट कर दो, मैं कोशिश करूँगा कि जिस सब्जेक्ट से मुझे पता है तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, और किस चैप्टर में डाउट है आप वो मुझे नीचे कमेंट करो, मैं वो चैप्टर डाल दूंगा, वो सब्जेक्ट डाल दूंगा जल्द से जल्दी। और आप कोशिश करो, अभी वो मत करना आप जो हरकतें सारे बच्चे करते हैं, मतलब आप बुक से पढ़ रहे हो और आप दूसरे कॉपी में पेज पर नोट्स बनाए जा रहे हो, हर चैप्टर के नोट्स बना रहे हो, लिखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, और ये सोच के कर रहे हो कि आप मार्च में बैठ के वो नोट्स को पढ़ोगे, अभी टाइम नहीं है इतना। पहले आप बना सकते थे, पूरे साल नोट्स बना के रख सकते थे, वो जनवरी या फरवरी मार्च ये 3 महीने पढ़ते, बट अभी आप नोट्स बनाने मत बैठो, टाइम नहीं है इतना। आप उसको पढ़ोगे, बुक में पढ़ोगे, उसको छोटे छोटे नोट्स बनाओगे, नोट्स बनाकर वो समय इतना टाइम इतना वेस्ट हो गया आपका, फिर फरवरी आ जाएगा, वो फरवरी में आप वो पढ़ोगे, अब इतने सारे हौच-पौच हो चुके क्या करोगे, तब तक 10 ईयर भी आपको करना है। तो कोशिश करो ये सारी चीज़ें पहले कर ली तो अच्छी बात है, वो चीज़ों को पढ़ो, और अभी आपको ये सारी चीज़ें करनी है जो मैंने आपको बताया। नोट्स अगर आपको किसी सब्जेक्ट के चाहिए तो आप मुझे बता दो, मैं कोशिश करूँगा मैं नोट्स आपको बना के भेज दूँ जल्दी से जल्दी।
आप मेरी ईमेल आईडी पर भी मेल कर सकते हो कि मुझे नोट चाहिए, मैं आपकी आपकी ईमेल आईडी पर मेल कर दूंगा। और बस ऑल दी बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। कुछ भी डाउट है आपका तो मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दूँ उसके ऊपर। और हाँ, मेरा कम्युनिटी टैब अब ऑन हो चुका है यूट्यूब पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स मैं कम्युनिटी टैब पर डालता रहूँगा, तो वहाँ पर भी आप एक्टिव रहो। और कुछ भी डाउट है, कुछ भी आपको क्वेरी है, तो आप वहाँ कम्युनिटी टैब में जाकर मेरे पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे नेक्स्ट वीडियो आप कमेंट में बता देना कि मुझे कौन सी अपलोड करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर, कौन से चैप्टर के, कौन से टॉपिक पर करनी चाहिए। बस ऑल दी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। कुछ भी डाउट है आपका तो मुझे कमेंट करना। ठीक है, बाय।